This video is about the classification of tablet dosage forms on various bases and various types of tablets. Let's begin the topic. Tablets can be classified on various bases. Here you can find some basic type of classifications. One classification is based on the route of administration. On the basis of that, various classes are tablet ingested orally, यानी ऐसी टेबलेट्स जिनको माउथ या ओरल रूट से इंजेस्ट या स्वेलो किया जाता है. इस कैटेगरी में जो टेबलेट्स आती हैं वो हैं कंप्रेस टेबलेट्स, मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट्स, डिलेड रिलीज टेबलेट्स, फिल्म कोटेड टेबलेट्स. इस क्लासिफिकेशन में दूसरी कैटेगरी है टेबलेट्स यूज्ड और इंजेस्टेड इन बक्कल कैविटी, यानी इस कैटेगरी की टेबलेट्स ओरल या बक्कल कैविटी में ड्रग को रिलीज करती हैं, जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं. इस कैटेगरी में जो टेबलेट्स आती हैं वो हैं च्यूएबल टेबलेट्स, बक्कल टेबलेट्स, सबलिंगुअल टेबलेट्स, ट्रोचेस एंड लोजेंजेस, डेंटल कोन्स एक्सेट्रा. इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है इन विच टेबलेट्स आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू अदर रूट्स लाइक इम्प्लांटेबल टेबलेट्स, वेजाइनल एंड रेक्टल टेबलेट्स. इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी है जिसमें टेबलेट्स को डिसॉल्व करके उनके सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर किया जाता है. टेबलेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, इसमें आती हैं एफर्वेसेंट टेबलेट्स, हाइपोडर्मिक टेबलेट्स एंड टेबलेट ट्राइचुरेट्स. इस क्लासिफिकेशन के अलावा और भी क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं. So another classification of tablet is based on the tablet structure. यानी tablet को structure के आधार पर कैसे classify कर सकते हैं. इसमें जो tablet की different classes हैं वो हैं divisible tablets, core tablets, aperture tablets, layer tablets, concave convex tablets. इसके अलावा one another classification system is also there, which is based on the drug release pattern. The classes in this are delayed release tablets and extended release tablets. Delayed release tablets में आती हैं enteric coated tablets and colon targeted tablets, जबकि extended release tablets में आती हैं sustained release tablets and controlled release tablets. Now I will give you some details of all of these types of tablets. Compressed tablets, ये सबसे simple type की tablets होती हैं जिन्हें बनाने के लिए drug या जो therapeutic compound है and other excipients, इनको tablet formula के according mix किया जाता है, tablet punch machine के through compress करके tablets को formulate किया जाता है. Now multiple compressed tablets, जैसा कि इनके नाम से एक्सप्लेन हो रहा है, इन टेबलेट्स को कई बार कंप्रेस करके बनाया जाता है. इन टेबलेट्स को लेयर्ड टेबलेट्स भी कहा जाता है. इन टेबलेट्स का फॉर्मुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. पहले ड्रग एंड जो अदर एक्सिपिएंट है उनको कंप्रेस करके एक पतली टेबलेट बनाई जाती है, फिर इस पतली टेबलेट के ऊपर दूसरी ड्रग और उसके एक्सिपिएंट का जो पाउडर है उसके ग्रेन्यूल्स ऐड किए जाते हैं, और इस सेकेंड स्टेप में ऐड किए गए पाउडर या ग्रेन्यूल्स को फर्स्ट वाली टेबलेट लेयर के ऊपर दोबारा कंप्रेस किया जाता है. तो इस तरह एक टेबलेट के ऊपर दूसरी टेबलेट की लेयर बन जाती है, एज यू कैन सी इन द इमेज. इस तरह की टेबलेट का फॉर्मुलेशन या तो दो इनकॉम्पेटेबल ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, अगर दो इनकॉम्पेटेबल ड्रग को हमें एक ही टेबलेट में दिया जा देना है तो हम इस तरीके की लेयर टेबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं, या दोनों डिफरेंट लेयर से जो ड्रग का जो रिलीज है वो डिफरेंट होता है. तो इस तरीके से इनकॉम्पेटेबल ड्रग देने के लिए या एक ही टेबलेट से एक ही ड्रग की डिफरेंट रिलीज रेट को ऑब्टेन करने के लिए लेयर्ड या मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट को फॉर्मुलेट करते हैं. Another type is enteric coated or delayed release tablets. इस तरह की टेबलेट को कंप्रेशन मेथड से बनाकर
इन टेबलेट्स के ऊपर किसी पॉलीमर की कोटिंग करते हैं और ये पॉलीमर ऐसा होता है जो एसिडिक पीएच पर डिसॉल्व नहीं होता बट बेसिक पीएच पर डिसॉल्व हो जाता है। जब टेबलेट को ओरली लिया जाता है तो टेबलेट अराउंड 3 to 4 hours तक स्टमक में रहती है। तो इस 3 to 4 hours में पॉलीमर की वजह से टेबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होती और ड्रग रिलीज नहीं होती। आफ्टर दैट ड्यूरेशन जब टेबलेट इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो इंटेस्टाइन के बेसिक पीएच पर ये पॉलीमर डिसॉल्व हो जाता है और ड्रग रिलीज हो जाती है। तो इस तरह जो ड्रग है वो स्टमक में रिलीज नहीं होती, इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। तो इस तरीके से जो एंटेरिक कोटेड ड्रग्स हैं, टेबलेट हैं, इनको यूज करते हैं ड्रग को इंटेस्टाइन में डिलीवर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो ड्रग हैं वो स्टमक के एसिडिक पीएच की वजह से डिग्रेड हो जाती हैं और इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाती और उनका थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिल पाता। फिल्म कोटेड टेबलेट्स, इस तरह की टेबलेट कंप्रेस टेबलेट होती हैं, बट इन टेबलेट्स के ऊपर पॉलीमर की थिन कोटिंग होती है या शुगर की थिन कोटिंग होती है विच इज जनरली कलर्ड। पॉलीमर की कोटिंग है तो वो कहलाएगी फिल्म कोटिंग और अगर शुगर की कोटिंग है तो वो कहलाएगी शुगर कोटेड टेबलेट्स। इस तरह की कोटिंग ड्रग के बिटर टेस्ट या उसकी अनप्लीजेंट स्मेल को मास्क करने के लिए की जाती है। फिल्म कोटिंग से ड्रग के रिलीज रेट को भी चेंज या कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ अनदर टाइप दैट इज च्यूएबल टेबलेट्स। इस तरह की टेबलेट को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में रखकर टीथ से प्रेस करके मुंह में ब्रेक कर दिया जाता है। ये टेबलेट स्वीट टेस्ट और प्लीजेंट ऑर्डर की बनाई जाती हैं ताकि उनके टेस्ट से कोई प्रॉब्लम ना हो। टेबलेट ब्रेक होकर बक्कल कैविटी में ड्रग रिलीज करती है जो ओरल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचती है। इस तरह ड्रग को स्टमक में पहुंचाए बिना डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है ताकि जो ड्रग है वो स्टमक के एसिडिक पीएच पर डिग्रेड ना हो। बक्कल टेबलेट्स, ये टेबलेट्स बक्कल कैविटी में ओरल म्यूकोसा पर अडेयर हो जाती हैं और धीरे धीरे डिसॉल्व होकर ड्रग को ओरल कैविटी में रिलीज करती रहती हैं। सबलिंगुअल टेबलेट्स, इन टेबलेट्स को टंग के नीचे प्लेस करते हैं, इनको ब्रेक या स्वेलो नहीं किया जाता। ये टेबलेट्स रैपिडली विद इन फ्यू सेकेंड्स माउथ में डिसॉल्व हो जाती हैं, टंग के नीचे डिसॉल्व हो जाती हैं और ड्रग को रिलीज कर देती हैं। ये ड्रग टंग के नीचे प्रेजेंट फाइन ब्लड कैपिलरीज से इंस्टेंटली यानी कि तुरंत एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचती हैं और रैपिडली अपना एक्शन शो करती हैं। तो इस तरीके से जो सबलिंगुअल टेबलेट्स हैं, इन टेबलेट्स से जो ड्रग की रिलीज, वो ड्रग इंस्टेंटली रैपिडली रिलीज होती हैं और उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत रैपिड होती है। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल इज नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट विच इज यूज इन द केस ऑफ हार्ट अटैक। नाउ ट्रोचेज एंड लॉजेंजेस, ये टेबलेट डिस्क शेप की होती हैं, जनरली हैविंग ड्रग विथ स्वीटनिंग एजेंट्स। ये माउथ में रखने से स्लोली स्लोली डिसॉल्व होती हैं और ड्रग को रिलीज करती रहती हैं, बट इन ए स्लो रिलीज पैटर्न। डेंटल कोन्स, दीज आर कंप्रेस टेबलेट्स। डेंटल कोन्स को गम्स की कैविटी में जहां पर टूथ ब्रेक या एक्सट्रैक्टेड हो गया है वहां पर प्लेस करते हैं ताकि लोकल साइट पर ड्रग रिलीज हो और अपना इफेक्ट दे। जनरली डेंटल कोन्स के थ्रू गम्स में माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या गम्स में ब्लीडिंग रोकने के लिए एस्ट्रिंजेंट्स को दिया जाता है। इम्प्लांटेबल टेबलेट्स, ये लॉन्ग एक्टिंग स्टेराइल टेबलेट्स होती हैं जिनको यूज करते हैं किसी ड्रग की प्रोलॉन्ग डिलीवरी के लिए। एक्चुअली इन टेबलेट्स की जो कोटिंग की जाती है विद स्पेसिफिक पॉलीमर्स जो ड्रग की रिलीज रेट को कंट्रोल करते हैं। इन टेबलेट्स को स्किन के अंदर माइनर कट या सर्जरी के थ्रू स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है जहां से कंट्रोल्ड मैनर में ड्रग इन टेबलेट्स से रिलीज होकर ब्लड में डिफ्यूज होती रहती है। अप टू फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स ड्रग रिलीज होती रहती है।
वेजाइनल टेबलेट्स। दीज टेबलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेजाइनल इंसर्ट्स। दीज टेबलेट्स आर यूज टू डिलीवर द ड्रग एट लोकल साइट, मेनली फॉर द डिलीवरी ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एफरवेसेंट टेबलेट्स, इस तरह की टेबलेट रैपिडली डिसइंटीग्रेट होने वाली होती हैं। एफरवेसेंट टेबलेट को फॉर्मुलेट करते टाइम एफरवेसेंट मटेरियल एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाया जाता है, लाइक बाइकार्बोनेट्स एंड सिट्रेट। तो जैसे ही ये एफरवेसेंट मटेरियल वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, CO2 प्रोड्यूस करता है और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के रूप में टेबलेट से रिलीज होती है और इस गैस फॉर्मेशन की वजह से जो टेबलेट है वो ब्रेक हो जाती है और डिजोल्व हो जाती है और टेबलेट के डिजोल्व होते ही ड्रग मीडियम में रिलीज हो जाती है। जब एफरवेसेंट टेबलेट वाटर में डिजोल्व हो जाती है तब इस सॉल्यूशन को कंज्यूम या एडमिनिस्टर कर लिया जाता है। हाइपोडर्मिक टेबलेट्स, ये जल्दी घुलने वाली टेबलेट्स होती हैं। इन टेबलेट्स को वाटर फॉर इंजेक्शन, जो कि एक स्टराइल वाटर है, उसमें डिजोल्व करते हैं और जब हाइपोडर्मिक टेबलेट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है तब उस प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन को इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। नाउडेज ये टेबलेट्स कम यूज की जाती हैं क्योंकि जो टेबलेट का सॉल्यूशन है वो उतना स्टराइल नहीं होता जिसको इंजेक्ट करने से इन्फेक्शन हो सकता है। टेबलेट ट्राइचुरेट्स, ये स्मॉल सिलेंड्रिकल टेबलेट्स होती हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट में पोटेंट ड्रग रहती है। इन टेबलेट्स को स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं और फिर जब ये टेबलेट डिजोल्व हो जाती हैं तो इनको ओरली कंज्यूम कर लिया जाता है। नाउ वी मूव टू अनदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेबलेट स्ट्रक्चर। डिवाइजेबल टेबलेट्स, इन टेबलेट्स के अपर या बॉटम सरफेस पर एक ग्रूव बना होता है, यानी कि एक खांच टाइप की बनी होती है, एक हल्की सी गहरी लाइन जो टेबलेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जब टेबलेट को ब्रेक करके दो इक्वल पार्ट में तोड़ना होता है तो ये ग्रूव हेल्प करता है। अपर्चर टेबलेट, इस तरह की टेबलेट में कोटिंग होती है और टेबलेट में वन और मोर देन वन सब मिलीमीटर रेंज का एक होल होता है, एक अपर्चर होता है जो क्रिएट किया जाता है थ्रू लेजर बीम। जब इन टेबलेट्स को कंज्यूम करते हैं तो टेबलेट के अंदर प्रेजेंट ड्रग इन होल से या इस एपर्चर से कंट्रोल्ड मैनर में टेबलेट से बाहर रिलीज होती है। इस होल के साइज एंड नंबर ऑफ होल्स को चेंज करके ड्रग का जो रिलीज रेट है उसको भी चेंज किया जा सकता है, बट द मेन थिंग इज कि जो ड्रग है टेबलेट के अंदर वो ड्रग टेबलेट से इस होल या एपर्चर के थ्रू रिलीज होती है इन ए कंट्रोल्ड मैनर। कॉनकेव कॉन्वेक्स टेबलेट, ये सिंपल कंप्रेस्ड टेबलेट हैं जिनका शेप आप इमेज में देख सकते हैं। अगर टेबलेट की सरफेस उठी हुई है तो इट इज कॉल्ड कॉनवेक्स टेबलेट और अगर ये टेबलेट की सरफेस थोड़ी गहरी है तो टेबलेट होगी कॉनकेव टेबलेट्स। इस तरह की सरफेस होने से फायदा क्या होता है कि कोटिंग के टाइम टेबलेट की जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होते क्योंकि टेबलेट रोल होती रहती है। या यू कैन से देयर इज ए लेस एब्रेशन ड्यू टू दिस काइंड ऑफ शेप। अगर हम टेबलेट को ड्रग रिलीज पैटर्न के आधार पर क्लासिफाई करें तो मेनली दो कैटेगरीज हैं, डिलेड रिलीज एंड एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स। डिलेड रिलीज या एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स आप पहले भी समझ चुके हैं कि वो टेबलेट्स जो ड्रग को इंटेस्टाइन में डिलीवर करती हैं बिकॉज द पॉलीमर ओवर टेबलेट is not dissolved in acidic pH of stomach and protect the drug from degradation in stomach. But in the basic pH of intestine, polymer which is coated over the tablet gets dissolved and release the drug in intestine. यह है delayed release या enteric coated tablets. Delayed release tablets drug को delayed way में intestine या colon में deliver करने के लिए यूज की जाती हैं। डिलेड मतलब कुछ टाइम के बाद ड्रग रिलीज होगी। इफ दिस रिलीज ऑफ द ड्रग
अगर ये इंटेस्टाइन में होता है ड्रग का रिलीज तो इसको हम कहते हैं एंटेरिक कोटेड, एंड इफ दे रिलीज द ड्रग इन द कोलोन, अगर ड्रग कोलोन में रिलीज हो रही है देन दे आर कॉल्ड कोलोन टारगेटेड डिलेड टाइप टेबलेट्स. नाउ अनदर टाइप इज एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स. जैसा इनके नाम से ही क्लियर है, इस तरह की जो टेबलेट्स हैं किसी ड्रग को प्रोलॉन्ग टाइम तक यानी काफी लंबे टाइम तक रिलीज करने वाली प्रॉपर्टी की होती हैं. प्रोलॉन्ग टाइम तक ड्रग डिलीवर होने से टेबलेट्स को बार बार नहीं लेना पड़ता और जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है. एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट भी कई टाइप की होती हैं, जैसे कि सस्टेंड रिलीज टेबलेट्स. इस तरह की टेबलेट किसी ड्रग को प्रोलॉन्ग टाइम तक रिलीज करती हैं बट ड्रग की रिलीज रेट उतनी कॉन्स्टेंट नहीं होती. वहीं दूसरा टाइप है कंट्रोल्ड रिलीज टेबलेट्स. ये टेबलेट भी ड्रग को प्रोलॉन्ग टाइम तक रिलीज करती हैं बट जो ड्रग का रिलीज है वो एकदम कॉन्स्टेंट में होता है. यहाँ पर क्लियर करने के लिए आपको ड्रग रिलीज पैटर्न दिखाया गया है. यू कैन सी द डिफरेंस इन द रिलीज पैटर्न ऑफ ड्रग फ्रॉम द सब्सटेंस रिलीज एंड कंट्रोल्ड रिलीज टेबलेट्स. आप देख सकते हैं ड्रग रिलीज कंट्रोल्ड रिलीज टेबलेट एक कॉन्स्टेंट मैनर में ड्रग को रिलीज कर रही है, जबकि एक्सटेंडेड रिलीज जो टेबलेट हैं वो ड्रग को रिलीज कर रही हैं और उनकी रिलीज रेट में हल्का सा वेरिएशन होता है बट जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो थेरापेटिक विंडो में ही रहती है. किसी भी ड्रग के एक्शन के लिए ड्रग की कंसंट्रेशन थेरापेटिक विंडो में रहना जरूरी होता है, यानी कि बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ड्रग रिलीज है उसमें क्या डिफरेंस है. सो दिस इज अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ टेबलेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द वेरियस फीचर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.